ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है योगी सहज योगी सहयोगी पार्ट थ्री अव्यक्तवाणी 10 अप्रैल 1984। सभी सहज योगी आत्माएं होना सर्व संबंध से याद सहज योगी बना देती है। जहां संबंध है वहां सहज है। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। यह स्मृति सर्व समस्याओं को सहज ही समाप्त करा देती है, क्योंकि सहज योगी अर्थात सदा बाप का साथ है। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, सर्वशक्तियाँ साथ हैं, तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाएगी। कोई भी समस्या, बाप जाने समस्या जाने, ऐसे संबंध के अधिकार से समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं क्या करूं? नहीं, बाप जाने समस्या जाने, मैं न्यारा और बाप का प्यारा हूं, तो सब बोझ बाप का हो जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे। जब स्वयं हल्के बन जाते तो सब बातें भी हल्की हो जाती हैं। जरा भी सोच चलता तो भारी हो जाते और बातें भी भारी हो जाती। इसलिए मैं हल्का हूँ, न्यारा हूँ, तो सब बातें भी हल्की हैं। यही विधि है। इसी विधि से सिद्धि प्राप्त होगी। पिछला हिसाब किताब चुकतु होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ऐसे साक्षी होकर देखेंगे तो जैसे पिछला खत्म हो रहा है और वर्तमान की शक्ति से साक्षी हो देख रहे हैं। जमा भी हो रहा है और चुकतु भी हो रहा है। जमा की शक्ति से चुकतु का बोझ नहीं। तो सदा वर्तमान को याद रखो। जब एक तरफ भारी होता तो दूसरा स्वतः हल्का हो जाता। तो वर्तमान भारी है तो पिछला हल्का हो जाएगा ना। वर्तमान प्राप्ति का स्वरूप सदा स्मृति में रखो तो सब हल्का हो जाएगा। तो पिछले हिसाब को हल्का करने का साधन है वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। वर्तमान है ही शक्तिशाली। वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सब सहज हो जाएगा। पिछला सूली को कांटा हो जाएगा। क्या है, क्यों है? नहीं, पिछला है। पिछले को क्या देखना? जहां लगन है वहां विघन भारी नहीं लगता, खेल लगता है। वर्तमान की खुशी की दुआ से और दवा से सब हिसाब किताब चुकतु करो। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 1984। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज योगी रहेंगे, लेकिन याद सहित सेवा हो तो सेफ्टी है, याद नहीं तो सेफ्टी नहीं। अव्यक्तवाणी
19 दिसंबर 1984। बाप दादा देखते हैं कि नाम सहज योगी है और अनुभव मुश्किल होता है, मानते अपने को अधिकारी हैं और बनते अधीन हैं। हैं भाग्य विधाता के बच्चे और सोचते हैं, पता नहीं मेरा भाग्य है व नहीं, शायद यही मेरा भाग्य है। इसलिए अपने आप को जानो और सदा स्वयं को हर समय के साथी समझ चलते चलो। अव्यक्तवाणी 24 दिसंबर 1984। परमात्मा बाप की पहली देन स्नेह है। स्नेह ने आप सबको ब्राह्मण जन्म दिया है। स्नेह की पालना ने आप सबको ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाया है। स्नेह ने सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी बनाया है। स्नेह ने हद के त्याग को भाग्य अनुभव कराया है। त्याग नहीं, भाग्य है। यह अनुभव सच्चे स्नेह ने कराया ना, इसी स्नेह के आधार पर किसी भी प्रकार के तूफान ईश्वरीय तोहफा अनुभव करते। स्नेह के आधार पर मुश्किल को अति सहज अनुभव करते हैं। इसी ईश्वरीय स्नेह के अनेक संबंधों में लगी हुई दिल को, अनेक टुकड़े हुई दिल को एक से जोड़ लिया है। अब एक दिल, एक दिलाराम है, दिल के टुकड़े नहीं है। स्नेह ने बाप समान बना दिया। स्नेह ने ही सदा साथ के अनुभव कारण सदा समर्थ बना दिया। स्नेह ने युग परिवर्तन कर लिया, कलियुगी से संगम युगी बना दिया। स्नेह ने ही दुख दर्द की दुनिया से सुख के खुशी की दुनिया में परिवर्तन कर लिया। इतना महत्व है इस ईश्वरीय स्नेह का। जो महत्व को जानते हैं वही महान बन जाते हैं। सदा अपने को इस पुरानी दुनिया की आकर्षण से न्यारे और बाप के प्यारे ऐसे अनुभव करते हो। जितना न्यारे होंगे उतना स्वतः ही प्यारे होंगे। न्यारे नहीं तो प्यारे नहीं। तो न्यारे हैं और प्यारे हैं या कहाँ ना कहाँ लगाव है। जब किसी से लगाव नहीं तो बुद्धि एक बाप तरफ स्वतः जाएगी, दूसरी जगह जा नहीं सकती। सहज और निरंतर योगी की स्थिति अनुभव होगी। अभी नहीं सहज योगी बनेंगे तो कब बनेंगे। इतनी सहज प्राप्ति है, सतयुग में भी अभी की प्राप्ति का फल है। तो अभी सहज योगी और सदा के राज्य भाग्य के अधिकारी सहज योगी बच्चे सदा बाप के समान समीप हैं। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 1985। सदा सहयोगी, कर्मयोगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी, ऐसी स्थिति का अनुभव करते हो। जहाँ सहज है
वहाँ निरंतर है, सहज नहीं तो निरंतर नहीं। तो निरंतर योगी हो या अंतर पड़ जाता है, योगी अर्थात सदा याद में मगन रहने वाले। जब सर्व संबंध बाप से हो गए तो जहाँ सर्व संबंध है वहाँ याद स्वतः होगी, और सर्व संबंध है तो एक की ही याद होगी। है ही एक तो सदा याद रहेगी ना, तो सदा सर्व संबंध से एक बाप दूसरा ना कोई। सर्व संबंध से एक बाप, यही सहज विधि है निरंतर योगी बनने की। जब दूसरा संबंध ही नहीं तो याद कहाँ जाएगी। सर्व संबंधों से सहज योगी आत्माएं, यह सदा स्मृति रखो। सदा बाप समान हर कदम में स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस रखने से सफलता स्वतः ही सामने आती है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 85। आज का दिन अनेक बंधन वाली गोपिकाओं के दिल के वियोग और स्नेह से संपन्न मीठे गीत सुनने का दिन है। बाप दादा ऐसी लगन में मगन रहने वाली स्नेही सिकिलधे आत्माओं को रिटर्न में यही खुशखबरी सुनाते कि अब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजने वाला ही है। इसलिए हे सहज योगी और मिलन के वियोगी बच्चे, यह थोड़े से दिन समाप्त हुए कि हुए, साकार स्वीट होम में मधुर मिलन हो ही जाएगा। वह शुभ दिन समीप आ रहा है। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 85। सहज योगी बनने की विधि। सभी सहज योगी आत्माएं होना, सदा बाप के सर्व संबंधों के स्नेह में समाये हुए। सर्व संबंधों का स्नेह ही सहज कर देता है। जहाँ स्नेह का संबंध है वहाँ सहज है, और जो सहज है वह निरंतर है। तो ऐसे सहज योगी आत्मा बाप के सर्व स्नेही संबंध की अनुभूति करते हो। उद्धव के समान हो या गोपियों के समान, उद्धव सिर्फ ज्ञान का वर्णन करता रहा, गोप गोपियां प्रभु प्यार का अनुभव करने वाली। तो सर्व संबंधों का अनुभव, यह है विशेषता। इस संगम युग में यह विशेष अनुभव करना ही वरदान प्राप्त करना है। ज्ञान सुनना सुनाना अलग बात है, संबंध निभाना संबंध की शक्ति से निरंतर लगन में मगन रहना वह अलग बात है। तो सदा सर्व संबंधों के आधार पर सहयोगी भव, इसी अनुभव को बढ़ाते चलो। यह मगन अवस्था गोप गोपियों की विशेष है। लगन लगाना
और चीज है, लेकिन लगन में मगन रहना यही श्रेष्ठ अनुभव है। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 85। बाप दादा बच्चों के सहयोग देने का चार्ट देख रहे थे। है सब सहयोगी, जब सहयोगी बने हैं तब सहज योगी बने हैं। सभी सहयोगी सहज योगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। मेरा पन समाप्त होना अर्थात ममता समाप्त होना, तो सारी ममता यानी मोह बाप में हो गया, तो बदल गया, शुद्ध मोह हो गया। बाप सदा शुद्ध है तो मोह बदल कर प्यार हो गया। एक मेरा बाबा, इस एक मेरे से सब समाप्त हो जाता और एक की याद सहज हो जाती। इसलिए सदा सहज योगी, मैं श्रेष्ठ आत्मा और मेरा बाबा। बस श्रेष्ठ आत्मा समझने से श्रेष्ठ कर्म स्वतः होंगे। श्रेष्ठ आत्मा के आगे माया आ नहीं सकती। अव्यक्तवाणी 6 मार्च 85। बाप हर विशेष आत्मा को विशेषताओं से देखते हुए यही गीत गाते, वहाँ मेरा सहज योगी बच्चा, वहाँ मेरा पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चा। तो सभी अपनी अपनी विशेषता और नाम सहित सम्मुख अपने को अनुभव करते हुए याद प्यार स्वीकार करना और सदा बाप की छत्र छाया में रहे माया से घबराना नहीं। छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। छोटी को बड़ा नहीं करना, बड़ी को छोटा करना। ऊंचे रहेंगे तो बड़ा छोटा हो जाएगा, नीचे रहेंगे तो छोटा भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए बाप दादा का साथ है, हाथ है, तो घबराओ नहीं, खूब उड़ो। उड़ती कला से सेकंड में सबको पार करो। बाप का साथ सदा ही सेफ रखता है और रखेगा। अव्यक्तवाणी 11 दिसंबर 85। सहयोगी व सहज योगी सिर्फ स्वयं के प्रति हैं, व दूसरों को भी आपके सहयोग के उमंग उत्साह की लहर सहयोगी बना देती है। आपके सहयोग की विशेषता सर्व आत्माओं को यह महसूस हो कि यह हमारे सहयोगी हैं। किसी भी कमजोर स्थिति व परिस्थिति के समय यह सहयोग द्वारा आगे बढ़ने का साधन देने वाले हैं। सहयोग की विशेषता का सर्व को आप आत्मा के प्रति अनुभव हो, इसको कहा जाता है विशेषता को सेवा में लगाया। बाप के सहयोगी तो है ही, लेकिन बाप विश्व सहयोगी है। बच्चों के प्रति भी हर आत्मा के अंदर से यह अनुभव के बोल निकले
कि यह भी बाप समान सर्व के सहयोगी है। पर्सनल एक दो के सहयोगी नहीं बनना, वह स्वार्थ के सहयोगी होंगे, हद के सहयोगी होंगे। सच्चे सहयोगी बेहद के सहयोगी हैं। आप सबका टाइटल क्या है? विश्व कल्याणकारी हो या सिर्फ सेंटर के कल्याणकारी, देश के कल्याणकारी हो या सिर्फ क्लास के स्टूडेंट के कल्याणकारी हो, ऐसा टाइटल तो नहीं है ना। विश्व कल्याणकारी विश्व के मालिक बनने वाले हो कि सिर्फ अपने महल के मालिक बनने वाले हो? जो सिर्फ सेंटर के हद में रहेंगे तो सिर्फ अपने महल के मालिक बनेंगे, लेकिन बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेते हो, हद का नहीं। तो सर्व प्रति सहयोग की विशेषता को कार्य में लगाना, इसको कहेंगे सहयोगी आत्मा। इसी विधि प्रमाण शक्तिशाली आत्मा सर्व शक्तियों को सिर्फ स्व के प्रति नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सेवा में लगाएगी। कोई में सहज शक्ति नहीं है, आपके पास है। दूसरे को यह शक्ति देना, यह है शक्ति को सेवा में लगाना। सिर्फ यह नहीं सोचो, मैं तो सहनशील रहता हूँ, लेकिन आपके सहनशीलता के गुण की लाइट माइट दूसरे तक पहुँचनी चाहिए। लाइट हाउस की लाइट सिर्फ अपने प्रति नहीं होती है, दूसरों को रोशनी देने व रास्ता बताने के लिए होती है। ऐसे शक्ति रूप अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बन दूसरों को उसके लाभ का अनुभव कराओ। वह अनुभव करें कि निर्बलता के अंधकार से शक्ति की रोशनी में आ गए हैं, व समझें कि यह आत्मा शक्ति द्वारा मुझे भी शक्तिशाली बनाने में मददगार है। कनेक्शन बाप से कराएगी, लेकिन निमित्त बन। ऐसे नहीं कि सहयोग देकर अपने में ही अटका देगी। बाप की देन दे रहे हैं इस स्मृति और समर्थि से, विशेषताओं को सेवा में लगाएंगे। सच्चे सेवाधारी की निशानी यही है। हर कर्म में उस द्वारा बाप दिखाई देवे, उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलावे, हर विशेषता दाता की तरफ इशारा दिलावे। सदा बाप ही दिखाई देगा, वह आपको ना देख सदा बाप को देखेंगे। मेरा सहयोगी है, यह सच्चे सेवाधारी की निशानी नहीं, यह कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं सोचना कि मेरी विशेषता के कारण यह मेरे बहुत सहयोगी हैं। सहयोगी को सहयोग देना मेरा काम है। अगर आपको देखा बाप को नहीं देखा तो यह सेवा नहीं हुई, यह द्वापर युगी गुरुओं के माफिक
बेमुख किया, बाप को भुलाया, ना की सेवा की। यह गिराना है, ना की चढ़ाना है। यह पुण्य नहीं, यह पाप है। क्योंकि बाप नहीं है तो ज़रूर पाप है। तो सच्चे सेवाधारी सत्य के तरफ ही संबंध जोड़ेंगे। अव्यक्तवाणी 25 दिसंबर 85। सदा साथ रहने वाले निरंतर योगी, सदा सहज योगी, उड़ती कला में जाने वाले सदा फरिश्ता स्वरूप हो। अव्यक्तवाणी 1 जनवरी 86। सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो? सहज लगता है या मुश्किल लगता है? बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है, तो अधिकार सदा सहज प्राप्त मिलता है। जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज होता है, तो आप भी अधिकारी हो। अधिकारी होने के कारण सहज योगी हो। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। बाप को याद करना कभी मुश्किल होता ही नहीं है। यह बेहद का बाप है और अविनाशी बाप है, इसलिए सदा सहज योगी आत्माएं भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात सहज फल की प्राप्ति, जितना संबंध और स्नेह से याद करते हो उतना सहज अनुभव होता है। सदा अपना यह वरदान याद रखना कि मैं हूँ ही सहज योगी। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 86। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना, तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से, तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 87। सदा बाप की अति स्नेही सहयोगी आत्माएं अनुभव करते हो? स्नेही की निशानी क्या होती है? जिससे स्नेह होता है उसके हर कार्य में सहयोगी जरूर होंगे। अति स्नेही आत्मा की निशानी सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। जितना जितना सहयोगी उतना सहज योगी, क्योंकि बाप के सहयोगी है ना। दिन रात यही लगन रहे बाबा और सेवा, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर लौकिक कार्य भी करते हो
तो बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो, इसलिए वह भी बाप का कार्य है। लौकिक में भी अलौकिकता ही अनुभव करेंगे। कभी लौकिक कार्य समझ ना थकेंगे, ना फंसेंगे, न्यारे रहेंगे। तो ऐसी स्नेही और सहयोगी आत्माएं हो, न्यारे होकर कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा कर्म होगा। कर्म में फंसकर करने से अच्छा नहीं होता, सफलता भी नहीं होती, मेहनत भी बहुत और प्राप्ति भी नहीं। इसलिए सदा बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्माएं हैं। सहयोगी आत्मा कभी भी माया की योगी हो नहीं सकती, उसका माया से किनारा हो जाएगा। हर संकल्प में बाबा और सेवा, तो जो नींद भी करेंगे उसमें भी बड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। बाबा बाबा करते रहो, बाबा कहा और कार्य सफल हुआ पड़ा है, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान बाप की याद स्वतः ही हर कार्य को शक्तिशाली बना देती है। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 87। बाप की याद से खुशियों के झूलों में झूलने वाले होना, क्योंकि इस संगम युग में जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में प्राप्त नहीं हो सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। बाप के रूप में वर्षा देते, सतगुरु के रूप में वरदान देते हैं, तो दोनों अनुभव है ना? दोनों ही प्राप्तियां सहज अनुभव कराने वाली हैं। वर्षा या वरदान, दोनों में मेहनत नहीं, इसलिए टाइटल ही है सहज योगी। क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बन जाए, सतगुरु बन जाए, तो सहज नहीं होगा। यही अंतर परम आत्मा और आत्माओं का है। कोई महान आत्मा भी हो, लेकिन प्राप्ति कराने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत जरूर देगी। 63 जन्म के अनुभवी हो ना, इसलिए बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। जब बाप से थोड़ा भी संकल्प में भी किनारा करते हो, तब मेहनत करते हो, उसी सेकंड बाप को साथी बना दो, तो सेकंड में मुश्किल सहज अनुभव हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 1 अक्टूबर 87। स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहजयोगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है आज सहयोगी हैं, कल सहजयोगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह
परिवर्तन का फाउंडेशन है अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहजयोगी बनने का फल दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहाँ भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को ना भी जानते हो ना भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से मिलता है, यह कहीं भी नहीं मिलता। और यह भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है व ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना, ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती हैं। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं है, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की, सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष दो पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। अभी यह तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। अव्यक्तवाणी 1 अक्टूबर 87। सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में सहयोग में आए, स्नेह में आए, तो फिर संबंध में आकर सहज योगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है, तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वह सफल कैसे होगा? अव्यक्तवाणी 9 अक्टूबर 87। किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे तरफ ही जाएगी। यह चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे, चमक तो सभी में थी,
लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले। अर्थात एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थी से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा, उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना, नेचुरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है। एक जैसी एक रस नहीं रहती। तो सदा सहज योगी, स्वतः योगी स्थित नंबर वन स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन, अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना, वह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि ना जाए वहाँ जाए। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। उन्होंने चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी है। अव्यक्तवाणी 9 अक्टूबर 1987। आगे जाने का सहज रास्ता है, सहज योगी स्वतः योगी बनो। बहुत सहज है, जब है ही एक बाप दूसरा कोई नहीं तो जाएंगे कहाँ? प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर वन बने। राजा बनना ना कि प्रजा। अव्यक्तवाणी 14 अक्टूबर 1987। बाप के सहयोग के पात्र सहज योगी आत्माएं स्वतः बनती हैं। जो कुछ समय पहले मुश्किल लगता था वह अब सहज बन गया है, और आगे और भी सहज बनता जाएगा।
स्वयं सर्व वर्ग वाले ऑफर करेंगे। पहले आप उन्होंने सहयोगी बनाने की मेहनत करते, लेकिन अभी वह स्वयं सहयोगी बनने की ऑफर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह कार्य श्रेष्ठ है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनना ही चाहिए। समय समीप की यह निशानी है। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 87। इसलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग ना हो, योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना, यह चेकिंग जरूर करो। जहाँ इच्छा होगी फिर भला कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपने तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर मेहनत कर साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना पहनना चलना रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघन रूप तो नहीं बनती। यह अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति, सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो उसके बिना तो चल सकता, लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 87।
मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से, जितना समय मधुबन में सेवा की उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं, मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना, यह थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना, तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना, तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। अव्यक्त वाणी 2 नवंबर 1987। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा यह कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। अव्यक्त वाणी 22 नवंबर 1987। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सहज योगी निरंतर योगी बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से आगे बढ़ते चलो। अव्यक्त वाणी 6 दिसंबर 1987। सहज योगी कुमार होना, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार, क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाने चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के हैं। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। निरंतर योगी सहज योगी, यह है ऊंची स्थिति, यह है ऊंचा जाना। ऐसे ऊंच स्थिति वाले को कहते हैं विजयी कुमार। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, यह खेल तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एकरस स्थिति का अनुभव नहीं होगा। एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। ओम शांति।